Welcome to the world of GK, GK Sansar. नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो खबर है वो यूपी टेट से रिलेटेड है कि टीईटी में 32,589 अभ्यर्थियों के आवेदन हुए निरस्त। तो पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें। और टेट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एक हमारा स्पेशल टेट बॉम्ब सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जो कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, जो कि आने वाले पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए पूरी न्यूज इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2017 में मनमाने तरीके से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर शिकंजा कस गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इस तरह से आवेदन करने वाले 32,589 अभ्यर्थियों के आवेदन जो है वो निरस्त कर दिए हैं। ऐसे अभ्यर्थी का केवल एक अंतिम जिले का आवेदन मान्य किया गया है। इससे मनचाहे जिले में परीक्षा देने का खेल करने वाले पहले ही बाहर हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डॉक्टर सूता सिंह ने बताया कि यूपी टीईटी 2017 में आवेदन पत्रों की जांच का कार्य पूरा हो गया है। इसमें उन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं जो आवेदन की शर्तें पूरा नहीं करते। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में दावेदारी करने वाले और बीएड सामान्य वर्ग के वह अभ्यर्थी जिनके अंक इंटर में 50% व आरक्षित श्रेणी में 45 से कम थे, वैसे 94 आवेदन निरस्त हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए जिनके इंटर में 50% और आरक्षित श्रेणी से यानी रिजर्वेशन कोटा से जिनके अंक 45% से कम थे, वैसे आवेदन 94 निरस्त किए गए हैं। वहीं उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने एक से अधिक जिलों के लिए दावेदारी की थी, ऐसे जो आवेदन निरस्त हुए हैं उनकी संख्या है 14,791 ऐसे आवेदन थे जो कि एक से ज़्यादा जिलों में अप्लाई की गई थी। प्राथमिक में कुल 14,885 आवेदन निरस्त हुए हैं और उच्च प्राथमिक परीक्षा के लिए दावेदारी करने वाले उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों जिनके स्नातक या फिर पारा स्नातक में 50% व आरक्षित वर्ग में 45% से कम अंक थे, वैसे 5,343 आवेदन निरस्त हुए हैं। इसी तरह से बीएलएड करने वाले 16, बीए बीएड करने वाले 53, बीएससी बीएड करने वाले 32, बीएड व शिक्षा शास्त्र में स्नातक करने वाले 2,678 और विशेष बीटीसी के 2 और एक से अधिक जिलों से दावेदारी करने वाले 9,580 अभ्यर्थियों के जो आवेदन हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। उच्च प्राथमिक के लिए कुल 17,704 आवेदन रद्द किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जो आवेदन आया था उसमें से 17,704 आवेदन रद्द किए गए हैं और प्राथमिक में 14,885 आवेदन निरस्त किए गए हैं। सचिव ने बताया कि एक से अधिक जिलों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के केवल अंतिम जिले से दावेदारी को मान्य किया गया है। प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र दिखाकर दे सकेंगे परीक्षा। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए है। टीईटी 2017 की परीक्षा में लगातार फर्जी अभ्यर्थियों की दावेदारी की मिल रही सूचना पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बड़ा कदम उठाया है। फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव ने बताया कि 15 अक्टूबर की परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र तथा प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अंतिम निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति भी साथ लाना अनिवार्य होगा। तो आपको आवेदन के समय जो आपने फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो और एक आपको आईडी कार्ड, उसके साथ साथ आपके पास जो प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र हैं वो जो अंतिम साल का आपको मिला है वो आपको अंक पत्र की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल आपको लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम से वह अभ्यर्थी अब परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं किया है, केवल आवेदन में मनमाने अंक आदि भर दिए हैं। जल्द ही कक्ष निरीक्षकों को निर्देश जारी करेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सख्ती में कहा गया है कि एक से अधिक जिलों से दावेदारी करने वाले
एक ही आवेदन मान्य होंगे। प्राथमिक में 14,500 व उच्च प्राथमिक में 9,500 ऐसे दावेदार हैं। ठीक है, तो आप सभी को जब भी पेपर आपको देने जाना है 15 अक्टूबर को, तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आवेदन करते समय जो आपने फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो की एक से दो आपको ले लेना है, और उसके साथ साथ एक आईडी कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास डीएल है तो डीएल ले लें, अगर नहीं तो फिर आपके पास आधार कार्ड हो तो ज़रूर होगा, आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर प्रशिक्षण जैसे कि बीएड आप कर रहे हैं तो अपीयरिंग में हैं, तो अपीयरिंग के पहले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का यानी कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है उसका अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट है ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपकी ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसे आपको लेकर जाएंगे, तभी आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।